ये सन 712 का साल था जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कदम रखे। माना जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद तभी से हुई, लेकिन भारत में इस्लाम का रिश्ता तलवार से नहीं कारोबार से बनना शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आने से करीब 100 साल पहले हिंदुस्तान में पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी। करीब 1400 साल पुरानी वो मस्जिद अभी तक कायम है, याद दिलाती हुई कि हिंदुस्तान में कितनी तहजीबों कितनी आस्थाओं का पानी आता जाता बसता रहा है। आज भारत माँ के झोले से केरल की चरमन जुमा मस्जिद। केरल के त्रिशूर जिले के मिठाला शहर की यह मस्जिद कोई मामूली मस्जिद नहीं है। माना जाता है कि यह हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है। इस चेरामन जुमा मस्जिद को 629 ईस्वी में बनाया गया, यानी हजरत मोहम्मद के गुजरने से 3 बरस पहले। सवाल है कि पूरा हिंदुस्तान छोड़कर सुदूर केरल के सुदूर इलाके में यह मस्जिद कैसे बनी। बाकी मस्जिदें तो लाहौर और दिल्ली और फैजाबाद जैसे उत्तर भारत के शहरों में दिखती हैं। दक्षिण भारत में लगता है कि हैदराबाद के आगे आंध्रा, केरल और तमिलनाडु बस मंदिरों के इलाके हैं। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में उतरने से मिलता है। दरअसल अरबों और हिंदुस्तानियों के बीच कारोबार का रिश्ता सदियों पुराना रहा। अरब के कारोबारी इधर के मालाबार इलाके में आकर व्यापार करते थे, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों को जोड़ने का काम करता था। इस्लाम के आने के बाद इसी रिश्ते ने पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि यह पुराना बौद्ध मंदिर था जिसे तोहफे में अरब के लोगों को दे दिया गया। कहानियां और भी हैं। बताया यह भी जाता है कि उस दौर में चेरा राजा राम वर्मा कुलशेखर पहले राजा थे जिन्होंने इस्लाम अपनाया। बाद में चेरा राजा चेरामन पेरुमल मक्का तक गए और उन्होंने वहां कुछ लोगों से कहा कि वो आकर उनके राज्य में इस्लाम का प्रचार करें। उन्हीं के कहने पर मलिक बिन दीनार और मलिक बिन हबीब भारत आए। कहते हैं मलिक बिन दीनार ने ही ये मस्जिद बनवाई, हालांकि इसके शिल्प पर हिंदू मंदिरों की भी छाप है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ हजारों साल से एक दिया है जिसमें कभी सभी धर्मों के लोग तेल डालते रहे, और केरल में ये इकलौती मस्जिद है जिसमें सभी मजहबों के लोग आ जा सकते हैं। यानी हिंदुस्तान की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद अब तक अलग अलग आस्थाओं को जोड़ने का काम कर रही है।